अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत से लोगों की शिकायत है कि सहरी के टाइम के बाद हमें जो है वो एसिडिटी होती है और हमारा पेट बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, लेजीनेस होती है, हमसे हिला भी नहीं जाता और सोते हैं तो एसिडिटी की वजह से नींद भी नहीं हो पाती और वो पूरे दिन जो है वो डकार वगैरह और अजीब सा मसला रहता है। तो इस कंप्लेन को हम ऐसे दूर कर सकते हैं कि एक तो आप पानी बहुत ज्यादा पी लेते हैं इस चक्कर में कि शायद पूरा दिन प्यासा रहना है तो मैं जो हूँ ना 6 गिलास 8 गिलास या 4 गिलास पानी 10 गिलास पानी पी लूँ तो मैं जो हूँ ना मेरे दिन भर तक चल जाएगा। लोगों का शायद सोचना ये होता है कि ये जो पानी हम 10 गिलास पी लें या 8 गिलास पिए या 6 गिलास 5 गिलास पी लें तो ये जो है ना पूरे दिन हमारे चल जाएगा, तो कुछ कोई फायदा नहीं होना है। ये जितना भी आपने पानी पिया है ना शहरी के टाइम पे, ये विद इन आवर और आधे घंटे या 40 मिनट में यूरिन के थ्रू पास हो जाना है, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है, पानी उतना पिए जितना आपके पेट इजाजत दे, जितने आप फुलफिल कर सकें बस इतना पानी पिए। ज्यादा पानी पी लेते हैं जिसकी वजह से पेट भारी हो जाता है और आपको लेजीनेस होती है, कुछ लोगों से उठा नहीं जा रहा था, चला नहीं जा रहा होता। और ये जो एसिडिटी होती है इसकी वजह यह है कि हम करते क्या है, सहरी करके फौरन नमाज पढ़ के और फौरन सो जाते हैं, तो उसमें या हम लेट जाते हैं या बैठ जाते हैं। तो सहरी को डाइजेस्ट करने के लिए आप कोशिश करें कि सहरी थोड़ा जल्दी कर लें, ठीक है, और कम से कम उसके बाद आपके पास आधे घंटे का गैप हो, ठीक है, और नियत करें, रोजा रखें तो आपको ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगी। और सहरी के अंदर कोई भी ऐसी चीजें ना खाएं कि जैसे लोग सालन रोटी खाते हैं और एसिडिटी करने वाली चीजें जो मसालेदार चीजें होती हैं वो ना खाएं। अच्छी हेल्दी सहरी करेंगे तो कभी भी आपको एसिडिटी नहीं होगी। अगर आप दलिया खाएंगे, एग वाइट्स लेंगे, ऑमलेट लेंगे या जो है वो क्या कहते हैं कोई फ्रेश जूस लेंगे, इस तरह की अगर आप हेल्दी सहरी करेंगे, फ्रूट्स लेंगे, तो आपको कभी भी एसिडिटी नहीं होगी। एसिडिटी उनको होती है जो सहरी के अंदर कबाब खाते हैं, सालन खाते हैं, मुर्ख मुतंजन खा रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर उनको दिन भर एसिडिटी रहती है और उनका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब रहता है और वो फिर गैस के इशू उनको होता है और प्रॉब्लम्स में रहते हैं। तो आप अपने आप को खुद मसलों में डालते हैं, आप अपनी करेक्शन करें, यहाँ जो आप गलतियां कर रहे हैं वो ना करें, आपका ये जो भारीपन लेजीनेस है ये भी दूर हो जाएगा और एसिडिटी भी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।